तो प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का भूगोल का पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ, क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका कक्षा 12 का भूगोल का पेपर बताऊँगा, वो भी पूरा का पूरा 100% रियल पेपर। तो देख सकते हो यहाँ से आज मेरे द्वारा पूरा का पूरा आपको ये पेपर बताया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका भूगोल का पेपर कैसा है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा आज मैं यहाँ से आपको ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका भूगोल का पेपर कैसा है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली मेरे द्वारा आज यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 के भूगोल विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सभी लोग अपनी त्रैमासिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सको। तो देखिएगा ऐसा आपका पेपर होगा, आप स्वयं यहाँ से इसको देख सकते हो, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 का भूगोल विषय का पूरा आज क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखेंगे। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। ए टू जेड क्वेश्चन पूरे के पूरे आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा कक्षा 12 का भूगोल का पेपर कैसा आएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अब आपका जिन जिन बच्चों का भी भूगोल विषय का पेपर है वो यहाँ से इस पेपर को पूरा जरूर देख जाए। और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर सेट बी बताओ भूगोल का, तो सेट बी आपका ये आ चुका है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि सेट बी को नहीं देखा है तो यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन भी आप लोग कंप्लीट कर लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12 के भूगोल विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा, आप लोग इस जगह से इसे देख लें और पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर कैसे लिखना है, पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा प्रौद्योगिकी, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा काम और रोजगार, यहाँ से आप लोग इसको नोट करते चलें। चौथे नंबर का क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिएगा 134वां स्थान है विश्व का भारत में, यहाँ से आप लोग इसे इस प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा नोट भी कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो देखिएगा इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, भोपाल। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा पूंजीवादी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा गेहूँ जो है रोपण की फसल नहीं है। तो देखिएगा ऐसा मैंने आपको यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा ए टू जेड पूरा क्वेश्चन पेपर आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपके पेपर का इसमें से छूटने वाला नहीं है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले, जिसमें कि क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे आपको करनी है, पहला क्वेश्चन, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को क्या मानता है, माता प्रकृति के रूप में धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकसित देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्पात व चीनी उद्योग कच्चे माल के समीप स्थापित होते हैं, किसके समीप स्थापित होते हैं, इस्पात और चीनी उद्योग कच्चे माल के समीप में स्थापित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका जो सेट भी है ना पूरा दिखाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होना तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता है कि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को रियल पेपर दिए जाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इसे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया इसका उत्तर। चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, गोवा। और पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा पर्यटक। और छठे नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा आपका उत्पादन। सातवें नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा रेंडियर।
ऐसे आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में बाकी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है ना, इसमें आपको जोड़ी दी जाएगी। जोड़ी का मिलान कैसे करोगे आप सभी लोग यहाँ से देख लें। पहले नंबर की जो जोड़ी दे रखी है सहकारी कृषि, इसकी जोड़ी का मिलान आपका डेनमार्क से हो जाएगा। पंपास की जोड़ी का मिलान किससे होगा, अर्जेंटीना से। मानव विकास सूचकांक का नॉर्वे से। विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक भारत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक चीन होगा। जंग का कटोरा पिट्सबर्ग आ जाएगा। और ऐसे आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर ले प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने आपको बताया है ए टू जेड जोड़ी जैसे आपकी पूछी जाएगी नहीं, वैसी की वैसी पूरी की पूरी मैंने यहाँ से आपको बता दी है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग यहां से इसको पूरा देखते चलें। और इसके अलावा मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो पेपर होगा ना कक्षा 12 भूगोल का, ये पूरा का पूरा पेपर आपका प्यारे विद्यार्थियों 70 अंकों का होगा। और इसमें से इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें क्या दिया गया है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखिएगा एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशय है। तो देखिएगा जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का एक दर से बढ़ना जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अगला क्वेश्चन लिखा है, जापान का आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा ये स्थिर जनसंख्या दर को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो देखिएगा इनको कहते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कायिक घनत्व क्या है। तो देखिएगा कायिक घनत्व किसे कहते हैं, कायिक घनत्व किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रवास किया। देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 3 करोड़, 3 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से है। तो देखिएगा ये घटक है जन्मदर, मृत्युदर और प्रवास। और इसके बाद में यहाँ से देखते हैं सत्य असत्य, सत्य असत्य कैसे आपको देखना है। पहला क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषण का प्रयास शुरू किया, बिल्कुल सत्य होगा। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण प्रवास की दिशा नगर से ग्राम की ओर रही, बिल्कुल सत्य होगा। छोटे पैमाने के उद्योगों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, यह सत्य हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन वैली रसायन उद्योग के कारण विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य होगा। भारत मानव विकास सूचकांक व शीर्ष 100 देशों में से एक, यह सत्य हो जाएगा। गंगा के जालोड़ मैदानों में बड़ी संख्या में परिक्षिप्त बस्तियाँ पाई जाती है, बिल्कुल सत्य होगा। तो ऐसे आप सभी लोग प्यार विद्यार्थियों यहाँ तक का सोल्यूशन देख लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो देख सकते हो ए टू जेड यहाँ तक का पूरा सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, आप सभी लोग यहाँ से इसको देखते चलें। भारत में स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान में जनसंख्या घनत्व में क्या बदलाव आया। भारत के श्रमजीवी जनसंख्या में व्यावसायिक संवर्ग बताइए। अमूलवादी रेडिकल विचारधारा क्या है। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आप सभी लोग यहां से इसको देख लें। और बाकी के क्वेश्चन ये लिखे गए हैं, तो आप सभी लोग यहां तक का पूरा पेपर देख लें। ए टू जेड क्वेश्चन जो हो गए ना प्यारे विद्यार्थियों आपके भूगोल में, ये बिल्कुल इसी प्रकार के आने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। टोटल आपके पेपर में इतने क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं आपको सारे के सारे सेट पेपर उपलब्ध करवा दूँगा, और उस प्रकार से आप लोग उनकी तैयारी को पूरा कर लें। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।